सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूमी ऑन यूट्यूब को, और यहीं पे जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहीं पे आप मेरे दूसरे चैनल का लोगो देख सकते हैं, दिव्या व्लॉग्स, आप इसको भी यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूमी ऑन यूट्यूब। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त दिव्या। आज मैं लेके आई हूं मशरूम कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। इसे आप राइस के साथ, रोटी पराठे, नान के साथ खा सकते हैं और मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी बनने वाली बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मशरूम कढ़ाई की रेसिपी। तो मशरूम कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मशरूम लिया है। उसे बहुत अच्छे से गर्म पानी से 2-3 बार धो के फिर मैंने उसे इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। आप अपने मनपसंद शेप और साइज़ में काट सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च और उसे चौकोर इस तरीके से काट लिया है, इस तरीके से देखिए। और प्याज भी लिया है मैंने एक छोटे साइज़ का, उसे भी मैंने इस तरीके से चौकोर में काट लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है, और 1 इंच अदरक को रफली चॉप कर लिया है, 2 टमाटर को चॉप कर लिया है, और 10-12 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। इसके अलावा हमें खड़े मसालों में चाहिए 1 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। फिर हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हमने जो पेस्ट के लिए जो चीज़ें काट के रखी हैं वो हम सारी चीज़ें डाल देंगे एक्सेप्ट टमाटर। टमाटर को हम बाद में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इस समय आप आँच जो है वो मीडियम पे रख सकते हैं, और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके बाद हम उसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा अच्छे से मिला के उसमें फिर थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, 1/2 चम्मच के बराबर, ताकि ये जल्दी कुकिंग हो जाए इसकी। और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच से भी कम। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और टमाटर को सॉफ़्ट होने तक हमें इसको कुक करना है, तो हम एक ढक्कन लगा देंगे ताकि जल्दी से टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक्कन लगा दिया, और 2 से 3 मिनट आप इसे धीमी आंच पे कुक करें जब तक कि टमाटर थोड़ा सॉफ़्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर मेरा सॉफ़्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं गैस ऑफ़ कर रही हूँ और ठंडा होने देंगे इस मिक्सचर को। जैसे ही अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए हम एक मिक्सर जार में इसको ले लेंगे और इसका हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया एक मिक्सर जार में, अब इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट तैयार है सब्जी के लिए। अब मैंने उसी पैन को अच्छे से पोंछ लिया है और उसमें 1 चम्मच के बराबर, बड़े चम्मच के बराबर तेल डाला है, और फिर हमने जो शिमला मिर्च और प्याज काट के रखा है चौकोर चौकोर, उसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए आप आंच को मीडियम पे कर सकते हैं या हाई पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको कुक नहीं करना है, केवल एक सोंधापन आ जाए दोनों में, बस उतना ही हमें फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए एक परत सी आ गई है, फ्राई हो गया है अच्छे से। तो जैसे ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएं, एक गोल्डन सा इस पर क्रस्ट आ जाए, उसके बाद हम इसमें मशरूम डाल देंगे। तो मशरूम भी डाल दिया मैंने। अब इन तीनों चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट और इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है। आँच आप मीडियम से हाई के बीच में रख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, मशरूम बहुत ज़्यादा भुनने पे फिर पानी छोड़ने लगेगा अगर कुक हो जाएगा, तो उस स्टेज के पहले ही हमें गैस ऑफ करनी है। तो मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया है और इसने अभी तक पानी भी नहीं छोड़ा है, तो हम उस गैस बंद कर देंगे। तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को किसी और प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। फिर मैंने उसी पैन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको पोंछ लिया है अच्छे से,
टिश्यू पेपर से, और फिर मैंने उसमें सरसों का तेल डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच के बराबर, और जितने भी सूखे खड़े मसाले थे चारों वो मैंने डाल दिया है। और इसको 1-2 सेकंड के लिए हम इसको बस ऐसे ही भुनने देंगे, और फिर हम इसमें जो पेस्ट बना के रखे हैं हमने वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट डाल दिया है, और जार में जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है पेस्ट तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसे भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट जब आप डालें तो आप आँच का ध्यान रखें, और आँच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम से लो के बीच में होनी चाहिए ताकि हमारे मसाले जलने ना पाए। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाला है, आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम लोग। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और इसको हम ढक के 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि मसालों से किनारों से तेल ना निकलने लगे। तो मसालों से तेल निकलता है इसका मतलब मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप जो आँच है उसे हमेशा लो ही रखें। तो मेरे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और साइड से तेल भी आ रहे हैं, तो इस मौके पे हम यहाँ पे जो भुन के रखे हैं, हमने फ्राई करके जो रखा है मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज, उसे हम डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से, चाहे ताकि जो मसालों की कोटिंग है वो इन तीनों पे अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पे चाहें तो आप मीडियम पे फ्लेम कर सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे, और इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम मिलाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही रखें आप इस समय इसको, और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, करीब 1/4 चम्मच के बराबर है, और साथ में मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच के बराबर नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो गरम मसाला डालने के बाद 1-2 मिनट भुनने के बाद इस तरीके से देखिए साइड से इस तरीके से तेल छूट रहा है, यानी ये चीज़ें मसालों के साथ अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी खानी हो इसमें तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ग्रेवी नहीं खानी है, मुझे लटपटी ही बनानी है, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के बराबर पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि इसकी जो कुकिंग हो वो अच्छे से हो जाए। और अब इसको हम ढक देंगे एक ढक्कन लगा के, और आँच बिल्कुल धीमी कर देंगे, बिल्कुल सिम पे कर देंगे, और 2 से 3 मिनट तक हम और इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। इसे अब और ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मशरूम को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार है, देखने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही है। तो हम गैस करेंगे ऑफ, और इसके ऊपर हम धनिया जो होती है चॉप्ड धनिया, हम इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर देंगे, और आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगेगी। तो देखा आपने, फटाफट बनके तैयार हो गई ये सब्ज़ी, बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी सब्ज़ी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका हैंडल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।